हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ हिस्ट्री, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, स्पीड ऑफ रिवॉल्ट, सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, न्यू डेवलपमेंट्स आफ्टर द रिवॉल्ट एंड द केस स्टडी अवध। ओके, बाय 1857 इंडिया हैड कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए बेटा, प्रीवियस चैप्टर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से ब्रिटिश ने यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश किया, किस तरह से कंपनी के रूप में पहले वो यहाँ पर आए थे और धीरे धीरे उन्होंने मोस्ट ऑफ द एरियाज पर अपना को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड तो 1857 तक इंडिया जो है आपके ब्रिटिश रूल है वो इंडिया के मोस्टली पार्ट में फैल चुका था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडियंस वर अनहैप्पी एंड रिसेंटेड फॉरेन रूल एज द ब्रिटिश वर ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव। अब इस रूल से क्या थे, जो इंडियंस जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे ब्रिटिश के रूल से। जो मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश का क्या था यहाँ पर, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द प्रीवियस चैप्टर। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव था उनका कि यहाँ से जिनके यहाँ के रिसोर्सेज हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए और इंडिया की जो वेल्थ है उसको फिनिश कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ठीक है, और देयर वर अपराइजिंग इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द ऑपरेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो और भी जगह पर, कई जगह पर, ऐसा नहीं है कि एक ही पहला ही रिवॉल्ट था जो 1857 में हुआ, उससे भी पहले बहुत सारे इस तरह के रिवॉल्ट चल रहे थे जगह जगह पर। लेकिन जो ब्रिटिश के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ था वो पहला रिवॉल्ट था, एक बहुत बड़ी क्रांति थी 1857। ठीक है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उसके रीज़न क्या थे 1857 रिवॉल्ट्स के। The numerous causes can be accounted by the revolt of 1857. First था political causes. Some of the policies adopted by the Lord Dalhousie caused widespread resentment among the Indian rulers and their subject. आपको मैंने इन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी, लर्न है आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी। तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ क्या थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी, कि अगर किसी एरियाज में किसी रूलर का कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, अगर कोई बेटा नहीं है उसका, तो वो ना तो किसी को गोद ले सकता है, वो किसी को गोद नहीं ले सकता, और उसको मतलब कि गोद लेने वाले बंदे को वो राजगद्दी पर नहीं बिठाएगा। ठीक है, उसका कोई The company, Lord Dalhousie used the policy of doctrine of lapsy to annex the Indian states. तो इस तरह से उसने बहुत सारे areas पर क्या है अपना control कर लिया था, जैसे कि नागपुर, झांसी, ठीक है, इसी policy के through. झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, वो चाहती थी कि कंपनी जो है उनके हस्बैंड की जो डेथ हो चुकी थी उनके बाद उन्होंने एक बेटा गोद लिया हुआ था, ठीक है, उसको राजा मान ले। और पेशा ऐसे ही एक पेशा बाजीराव थे, पेशा बाजीराव के जो बेटे थे नाना साहब, ठीक है, उन्होंने भी कंपनी से यह रिक्वेस्ट की थी कि उसके उनके पिता की जो पेंशन मिलती है वो उन्हें दी जाए, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने वो देने से दोनों को ही मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो रूल में थे, उन्होंने दोनों को ही देने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्या थी आपकी, डलहौजी आल्सो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। वो इंटरफेयर करने लगे थे इंडियन रूलर्स के बीच में, इंटरफेयर करने लगे थे। फॉर एग्जांपल, ही अनेक्स्ड अवध ऑन द ग्राउंड ऑफ पुअर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ द नवाब। क्या किया था उन्होंने, डलहौजी ने अवध का जो नवाब था, अवध के नवाब को, वाजिद अली को, ये कहकर कि ये तो बेकार, मतलब सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसको वहाँ से कलकत्ता भिजवा दिया।
इससे क्या हुआ, जो उस टाइम पे जो आर्मी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसमें मोस्ट ऑफ द जो सोल्जर्स थे वो अवध के ही थे, अवध के थे, वो इस बात से बहुत नाराज़ हुए। तो उनमें क्या था, फ्रस्ट्रेशन हो गया था उनको लेकर, ब्रिटिश को लेकर। और क्या रीज़न था, द लास्ट मुगल एम्परर वो बहादुर शाह जफर, आल्सो नोन एज बहादुर शाह सेकेंड। तो कंपनी ने क्या किया, मुगलों के शासन को ख़त्म करने को भी उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे, सिक्कों पर से उन्होंने क्या किया था, मुगल बादशाह का नाम हटवा दिया था, बहादुर शाह जफर का नाम हटवा दिया। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ये ऐलान कर दिया कि बहादुर जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाए। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये थे पॉलिटिकल रीज़न, ये पॉलिटिकल रीज़न थे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे। इकोनॉमिक कॉजेज, द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश रिवेन्यू पॉलिसी, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। उन्होंने कौन सी पॉलिसी चलाई थी, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। गाँव में जो थे किसान और ज़मींदार, भारी भरकम उन पर क्या करते थे, टैक्स लगा देते थे ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन पर टैक्स लगाती थी। अगर वो नहीं दे पाते थे टैक्स को तो क्या होता था, उनकी ज़मीन जो थी अपने कब्ज़े में ले ली जाती थी, ठीक है। इस तरह से क्या थे, जो पीजेंट थे बहुत ज़्यादा उनका हैरेसमेंट हो रहा था उस टाइम पर, तो वो भी उनसे नाराज़ थे। और जो जागीरें गिफ्ट में मिली हुई थी लैंडलॉर्ड्स को, छोटे छोटे ज़मींदारों को, वो भी विलियम बेंटिक ने और लॉर्ड डलहौजी ने उनसे वापस ले ली थी, जिसके जिसका क्या वो हुआ, रिज़ल्ट हुआ, जो ज़मींदार थे वो भी पुअर कंडीशन में आ गए थे। तो इन लोगों ने भी फिर 1857 को आगे बढ़ाने में, मतलब किसने पार्टिसिपेट किया। डी अंडरलाइजेशन, इंडिया वॉज फोर्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। इंडिया को जो था फोर्स किया जाता था ये रॉ मटेरियल्स जो है कॉटन, इंडिगो, सिल्क, इसकी ग्रोथ करने के लिए, अपने खेतों में वही उगाएंगे जो किसान ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है, अदरवाइज़ वो अपनी पर अपनी इच्छा से कुछ भी उसमें ग्रो नहीं कर सकते थे। रॉ मटेरियल क्या था, जो रॉ मटेरियल वो बनाते थे उसको वो अपने वहाँ इंग्लैंड भिजवाते थे और वहाँ से मशीनों द्वारा वो सामान जो था, माल था, वो बनकर आता था, जिसको वो यहाँ पर हाई रेट्स पर प्रोवाइड कराते थे। तो यहाँ इससे क्या हुआ, जो यहाँ के लोग थे, वर्कर थे, उनका वर्क छीन लिया गया, वो बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था लोगों के बीच, तो वो गरीब, उनके पास खाने को भी पैसे नहीं बचे थे, वो इतनी पुअर कंडीशन में आ गए थे। तो उन्होंने भी 1857 के विद्रोह में अपना पार्टिसिपेट किया। सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस, सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस क्या थे। सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश स्टार्टेड इंटरवेनिंग इन द मैटर्स ऑफ सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इंडियंस। क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज़ों को लगने लगा कि जो इंडियन सोसाइटी है उसमें भी हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत है, उसमें भी हमें सुधार करना होगा। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश फोर्स सोशल रिफॉर्मर्स सच एज द एबोलिशन ऑफ द कस्टम ऑफ सती एंड विडो रीमैरिज। उस टाइम पे जो थी सती प्रथा जो थी इंडियंस गवर्नमेंट की, एक इंडियन सॉरी इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माना जाता था, उनकी एक तरह से रिचुअल्स, ठीक है, उनकी परंपरा थी सती। तो उसको क्या हुआ, अब तो हम मानते हैं कि अच्छा हुआ अंग्रेज़ों ने उसे ख़त्म कर दिया, नहीं तो एक जिंदा लेडी को जला दिया जाता था उसके पति के साथ, ठीक है, ये सती प्रथा थी। और विडो रीमैरिज, अगर कोई विधवा हो जाती थी तो उसको दोबारा से शादी करने की परमिशन नहीं थी। तो ये काम तो उन्होंने वैसे अच्छे ही किए, अंग्रेज़ों को लगता था कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कुछ एक्ट बना दिए। और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा बहुत काम किए, ठीक है। और 1830 के बाद कंपनी ने जो ईसाई क्रिश्चियनी ईसाई मिशनरीज थी,
ईसाई मिशनरीज को, क्रिश्चियन मिशनरीज को खुलकर काम करने की इजाज़त दे दी थी, ठीक है। और ये कानून भी बना दिया था कि जो 1850 में नया कानून बना दिया था उन्होंने, जिससे ईसाई धर्म को अपनाएगा, उसमें ये कहा गया था कि जो ईसाई धर्म को अपनाएगा उसे ही उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें हिस्सेदारी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नेक्स्ट था